आफ्टरनून, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रॉनिक टू क्लास। ठीक है, आज हम देख रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फोर्थ चैप्टर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर्स। ठीक है, हमारा इसके पहले का लेसन हमने देखा था लॉजिक गेट, एंड अब हम लेसन देख रहे हैं मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में 20% से पूछा जाता है। ठीक है, इस यूनिट में से क्वेश्चंस आपके 20% आएंगे, ये कंफर्म है। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एनकोडर डिकोडर क्या होता है, ये देखते हैं। तो मेरा जो डिजिटल सर्किट है ना, ये क्लासिफाइड होता है टू कैटेगरीज में। हम अब तक अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, डिजिटल सर्किट। नाउ डिजिटल सर्किट वी हैव टू बी क्लासिफाइड टू कैटेगरी। पहला कैटेगरी है उसका कॉम्बिनेशनल सर्किट और सेकेंड कैटेगरी है उसका सिक्वेंशियल सर्किट। अब देखते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब क्या होता है। अभी तक हमने देखा लॉजिक गेट इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ठीक है, ये पढ़ा हमने। अब तक हमने जितनी भी सर्किट देखी है ना, वो सभी डिजिटल सर्किट में कहाँ क्या किस में क्लासिफाइड हो रहा था, मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट में। बट इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशनल एज वेल एज सिक्वेंशियल सर्किट। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब क्या, ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट मतलब क्या, तो आउटपुट जो प्रेजेंट होगा एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, आउटपुट द कॉम्बिनेशनल सर्किट द आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, आउटपुट मेरे हर टाइम के लिए कुछ भी हो सकता है, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो कि डिपेंड होगा मेरे इनपुट के प्रेजेंट पे। मतलब इनपुट में क्या है उसकी इस पे ही मेरा आउटपुट क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मतलब आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट में किस पे डिपेंड है, आउटपुट किस पे डिपेंड है, मेरे इनपुट पे डिपेंड है। ठीक है, इन कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड ऑन द इनपुट प्रेजेंट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब मेरा आउटपुट किस पे डिपेंड है, इनपुट के प्रेजेंट पे। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में मुझे किसी भी मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे देर इज़ अ नो मेमोरी इन दिस सर्किट। मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम मेमोरी का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे मेमोरी ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे मेमोरी का चाहिए ये सर्किट में। ठीक है, बट सिक्वेंशियल सर्किट में ऐसा नहीं है। सिक्वेंशियल सर्किट इट्स अपोजिट टू अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। इन सिक्वेंशियल सर्किट आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द इनपुट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट इनपुट। मतलब मेरा जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड होगा सिक्वेंशियल सर्किट में, तो आउटपुट मेरा सिक्वेंशियल सर्किट का इनपुट पे ही डिपेंड रहेगा, लेकिन इनपुट के प्रेजेंट पे भी डिपेंड रहेगा और पास्ट पे भी डिपेंड रहेगा। ठीक है, और इन ये जो सर्किट है यहाँ पे मुझे मेमोरी एलिमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे हम मेमोरी एलिमेंट का यूज़ करते हैं। मेमोरी एलिमेंट का इस वजह से यूज़ करते हैं कि जो कि स्टोर करता है मेरे पास्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, पास्ट इन्फॉर्मेशन को भी क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है। सपोज मैंने पास्ट में इन्फॉर्मेशन दिया था 00, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। बट मैं प्रेजेंट में इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ 10, तो मुझे पास्ट इन्फॉर्मेशन क्या था, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ पे मेमोरी की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने पास्ट में इन्फॉर्मेशन दिया था 00, तो आउटपुट मुझे क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। अब सेकेंड स्टेट के लिए आउटपुट डिपेंड होगा मेरे पास्ट के आउटपुट पे भी और प्रेजेंट के इनपुट पे भी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के मुझे क्या मिलेगा, प्रेजेंट इनपुट मिलेगा। इसी वजह से हमें सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी का यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि पास्ट इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। सिक्वेंशियल लॉजिक सिस्टम दैट मे बी अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सब सिस्टम। सिक्वेंशियल सिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सिस्टम का सब सिक्वेंशियल लॉजिक सिस्टम का वो सब सिस्टम है। तो डिज़ाइन अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में इन दिस चैप्टर में डिज़ाइन करने वाली हैं, मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन करने वाले हैं, डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस करने वाले, MSI यानी कि मीडियल स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड डिवाइस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, मेरा MUX और DMUX क्या
क्या है, MSI सिस्टम है, एनकोडर डिकोडर का सिग्निफिकेंट रिड्यूस देखने वाले हैं, IC पैकेज को देखने वाले हैं इस चैप्टर में। और IC पैकेज में जब मैं इस सिस्टम को, इस सर्किट को रिड्यूस करती हूँ तो इसका कॉस्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है IC पैकेज में। दिस ऑल्सो इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। इसके वजह से क्या हो रहा है, मेरे सिस्टम का रिलायबिलिटी इम्प्रूव हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, इम्प्रूव हो रहा है। नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर को ही हम क्या बोलते हैं, मक्स बोलते हैं, और डाटा सिलेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है मक्स, मल्टीप्लेक्सर का मतलब ही होता है मक्स। मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर और डाटा सिलेक्टर। तो मैंने यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर का दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दीज आर दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर मीन्स क्या, तो मल्टीप्लेक्सर मीन्स कि यहाँ पे हम n नंबर ऑफ इनपुट को दे सकते हैं, बट मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, सिंगल आउटपुट मिलेगा। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लेक्सर मीन्स मेन्यू इनटू अ वन, मतलब यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ इनपुट दिया, मैंने n नंबर ऑफ इनपुट दिया, तो n नंबर ऑफ इनपुट का मुझे एक ही आउटपुट मिल रहा है, सिंगल आउटपुट। मतलब मल्टीप्लेक्सर का एक सिंपल मीनिंग है, मल्टीप्लेक्सर मीन्स मेन्यू इनटू अ वन। तो मल्टीप्लेक्सर और डाटा सिलेक्टर इन दिस सर्किट मेनी इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। इस सर्किट में क्या है, मल्टीप्लेक्सर और डाटा सिलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर मीन्स ये क्या हो रहा है, मक्स। मक्स मीन्स क्या हो रहा है, मेरा डाटा सिलेक्टर। डाटा सिलेक्टर ये मेरा सर्किट है जहाँ पे मैंने मेनी इनपुट दिया बट मुझे ओनली वन आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट्स वन आउट ऑफ सेवरल इनपुट। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आउट करती हूँ तो सेवरल, एक ही आउटपुट में मुझे सेवरल इनपुट मिल रहा है इन द सिंगल आउटपुट। द इनपुट सिलेक्ट टू कंट्रोल द सेट ऑफ सिलेक्ट इनपुट। अब जो ये इतने सारे n नंबर ऑफ इनपुट है ना, इसको हम सिलेक्ट और कंट्रोल करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट इनपुट से। ये मेरे क्या है, सिलेक्ट इनपुट है जो कि इसको कंट्रोल कर रहे हैं डाटा इनपुट्स को। दीज आर द n नंबर ऑफ माई डाटा इनपुट और सिंगल आउटपुट। ये मेरा मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम है जहाँ पे क्या है, हमने n नंबर ऑफ इनपुट्स को दिया, D0, D1, D2 अप टू DN-1, मतलब हम जितने भी n नंबर ऑफ इनपुट्स वो है। और ये मेरे डाटा सिलेक्टर्स है और ये मेरा सिंगल आउटपुट है। मल्टीप्लेक्सर मीन्स मैनी इनपुट मैनी इनटू अ वन, मतलब मैनी इनपुट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंगल में। ठीक है, द मल्टीप्लेक्सर हैज़ अ इनपुट सिग्नल। ठीक है, m क्या है मेरा मल्टीप्लेक्सर में, n क्या है मेरा इनपुट सिग्नल है, और m क्या है मेरा कंट्रोल सिग्नल है, और आउटपुट क्या है मेरा y है। जनरली अ स्ट्रॉप, ये क्या है मेरा स्ट्रॉप, g क्या है मेरा स्ट्रॉप सिग्नल है, दिस g इट विल बी अ स्ट्रॉप सिग्नल। स्ट्रॉप सिग्नल इज अप्लाइड विच इज हेल्प टू कास्केडिंग एंड जनरली एक्टिव लो। ये हम कास्केडिंग के लिए, मतलब नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर को जब एक मल्टीप्लेक्सर का को हम दूसरे मल्टीप्लेक्सर के साथ जब कनेक्ट करते हैं, मतलब कास्केडिंग, ये वर्ड आप लोगों ने सुना ही है। तो ये कास्केडिंग जब करते हैं ना, तब हम स्ट्रॉप इनपुट सिग्नल का यूज करते हैं जो कि हेल्प करता है कास्केडिंग में। जनरली इसको हम लो रखते हैं। ठीक है, फॉर सिलेक्टिंग वन आउट ऑफ एन इनपुट। अब मुझे n नंबर ऑफ इनपुट है तो इसमें से इन n नंबर ऑफ में से कौन सा इनपुट सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कनेक्शंस को आउटपुट के साथ हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। m इज़ द सिलेक्ट इनपुट रिक्वायर्ड। अब m क्या है मेरा सिलेक्ट इनपुट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 2 to the power of m इज इक्वल टू n। m अगर मान लो मेरे सिलेक्ट इनपुट मेरा कितना है, 2 मेरा सिलेक्ट इनपुट है। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है मेरी, 2 है। 2 to the power of m इक्वल टू n, इससे मुझे कितने नंबर ऑफ इनपुट लेना है ये डिसाइड हो जाएगा, मतलब कितना इनपुट है। तो m की वैल्यू कितनी है सिलेक्ट इनपुट की, 2 है, तो 2 to the power of 2, तो मुझे n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। मतलब मेरा इनपुट जो डाटा इनपुट है वो कितना होगा, मेरा डाटा इनपुट कितना रहेगा, 4 रहेगा अगर सिलेक्ट इनपुट 2 है। तो कितने सिलेक्ट इनपुट और कितने डाटा इनपुट, ये अगर मुझे डिसाइड करना है या ये फाइंड आउट करना है, तो हम इस रूल का या इस फॉर्मूले का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। 2 to the power of m इज इक्वल टू n।
अगर मेरा सिलेक्ट इनपुट 2 है तो डाटा इनपुट कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये डिपेंड होता है मेरे डिजिटल कोड पे और अप्लाइड सिलेक्ट इनपुट पे, ठीक है। ये किस पे डिपेंड है, मेरा डिजिटल कोड पे और सिलेक्ट इनपुट पे डिपेंड है। वन आउट डाटा सोर्स इज सिलेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड द सिंगल आउटपुट चैनल। एक या एक से ज़्यादा डाटा सोर्स क्या होता है, सिलेक्ट होता है और ट्रांसमिट होता है मेरे सिंगल आउटपुट चैनल पे। एडवांटेजेस क्या है मल्टीप्लेक्सर के देखते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस देखते हैं हम मल्टीप्लेक्सर के। तो मल्टीप्लेक्सर के एडवांटेजेस क्या है, इट्स अ मिनिमाइज आईसी पैकेज काउंटर एंड सिस्टम कॉस्ट। इस जो मल्टीप्लेक्सर है इसकी कॉस्टिंग क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, आईसी पैकेज में नावडे इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड एडवांटेजेस ये है कि इसका सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक एक्सप्रेशन ये ज़रूरत नहीं है। इसके पहले हमने गेट्स में देखा था, मुझे लॉजिक एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ता था, सिंप्लीफाई करना पड़ता था, बट इन दिस मल्टीप्लेक्सर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंड एडवांटेजेस ये है, लॉजिक डिज़ाइन इज़ सिंप्लीफाइड, ईजिली क्या हो जाता है, ये डिज़ाइन हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस ये है, दिस इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। ये क्या कर रहा है, सिस्टम के रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एक्सटर्नल वायर्ड कनेक्शन। क्यों इस सिस्टम के रिलायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है ये इम्प्रूव क्या कर रहा है, सिस्टम की रिलायबिलिटी को, और रिड्यूस कर रहा है नंबर ऑफ एक्सटर्नल वायर्स और कनेक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वायर्स और कनेक्शन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। सम ऑफ द स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्सर आईसीज, ये क्या है मेरे, कुछ स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्सर आईसीज है। हर आईसीज का क्या होता है, नंबर होता है। यहाँ पे आपको कौन सा आईसी है ये आप नंबर से आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर नेम नहीं दिया होता, अगर 4:1 मल्टीप्लेक्सर है तो वहाँ पे आपको 74153 ये नंबर्स मिलेगा, ठीक है। 2:1 है तो 74157 ये आईसी नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 74153 जो यहाँ पे 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वन मतलब ये आपका आउटपुट शो करता है, ये आपका इनपुट शो करता है, मतलब 4 कितने रहेंगे आपके डाटा इनपुट्स रहेंगे और सिंगल आउटपुट रहेगा। कुछ इसमें भी 2 आपके डाटा इनपुट्स रहेंगे तो सिंगल आउटपुट रहेगा, और यहाँ पे क्या 16 आपके डाटा इनपुट्स रहेंगे तो सिंगल आउटपुट रहेगा। इट्स अ इन्वर्टेड, इन्वर्ट करता है सेम एज द इनपुट एंड इज द इन्वर्टेड इनपुट। तो कल हम डिस्कस करते हैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर।